2017 में तो प्रधानमंत्री जी का पहला वाक्य नहीं था
कि पहले आप इतना बड़ा इंस्टीट्यूशन बनाइए, मेरी शुभकामना है और मैं आपको यही दायित्व, तो इन्होंने उनकी बात का पहल करके दो कदम आगे बढ़ाया, बल्कि प्रक्रियागत कारणों से हम लोग थोड़ा कदम में मिलाने में थोड़ा ढीले थे, लेकिन मैं इस बात के लिए मुझे संतोष है, मुझे पूरा सेटिस्फेक्शन है कि जब से मेरे नाले में ये बात आई, मैंने अपने अधिकारियों के सहयोग से और प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से, मोदी जी के विशेष आशीर्वाद से और टाटा ग्रुप के चेयरमैन चंद्रशेखरन जी के सहयोग से, हमारी गवर्नमेंट के 100 दिन पूरे हैं। 100 दिन के एजेंडे में ही पूरा होते होते हिंदुस्तान का IIT IIM के लेवल का फर्स्ट IIS आज मुंबई में शुरू होने जा रहा है, उसका चला जा रहा है। इसके लिए इससे जुड़े टाटा ग्रुप को धन्यवाद देते हुए मैं आप सबके बीच में महाराष्ट्र सरकार को भी धन्यवाद दूंगा, उन्होंने भी इसमें भूमि की प्रक्रियाओं में, हमारे विभाग की जमीन है लेकिन प्रक्रियाओं में और अन्य कार्यों में भी सहयोग दिया है। इसके लिए CM महाराष्ट्र देवेंद्र फडणवीस जी को भी बहुत धन्यवाद है, व्यस्तता के कारण उन्होंने आने में रिग्रेट किया, उनकी यात्रा चल रही है लगातार महाराष्ट्र में, उसके कारण उन्होंने अपनी शुभकामनाएं मेरे थ्रू आपके बीच भेजा है। आज आपके बीच में भारत के अंदर जो हमारे मोदी जी की सोच है कि दुनिया के अंदर 52% से भी एवं अगर आज युवा आबादी हिंदुस्तान की है, दुनिया में इतना युवा देश कोई नहीं है और हिंदुस्तान के युवा की पूरे दुनिया में एक धाक बनती जा रही है, तो भारत के अंदर और भारत के बाहर हम कौशल में पारंगत लोगों को इस दुनिया के अंदर और भारत के अंदर इतना आगे ले जाना चाहते हैं कि भारत दुनिया के कौशल की राजधानी बने और वो सबसे उनके दिल के करीब आ जो सब्जेक्ट है। इस नाते उन्होंने पहले राउंड में 3 परिकल्पनाएं की हैं, मुंबई, अगला स्टेप अहमदाबाद, उसमें भी टाटा का कोऑपरेशन मिल रहा है, पूरी तरह हमारे साथ हैं वो, और तीसरा कानपुर में। हम जल्द उन दोनों के भी प्रक्रियाओं को आगे बढ़ाकर उसे पूरा करने वाले हैं। सब मिलाकर के उद्देश्य है कि हिंदुस्तान के अंदर जो हमारी युवा आबादी है उसे हम आज के युग की जरूरतों के अनुरूप स्किल करके, आज जैसे मेक इन इंडिया आज एक शब्द लोगों की जुबान पर है, हम चाहते हैं कि मेक इन इंडिया के साथ साथ हर मोड़ पर, हर कॉर्नर पर, हर स्टेज पर स्किल इंडिया में लोगों के जुबान पर आना चाहिए, उस अभियान के दिशा में हम उन्हें कदम बढ़ाएं। आज हमारे विभाग ने देश भर में